चलिए अब आपके साथ दूसरे एग्जाम्पल मैं और लेती हूँ, उसके बाद मैं ये समझ जाऊंगी कि आपको भी इसको कन्वर्ट करना आ गया है। दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है चीता, और चीते की स्पीड दी हुई है आपको 112 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा पहले ये सॉल्व करने से पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये समझ आता है कि किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि चीता एक घंटे में 112 किलोमीटर दौड़ सकता है, भाग सकता है, ठीक है ना। जब भी हम चाल के बारे में लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, एक सेकंड में इतने मीटर वो कवर कर सकता है। तो अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल फॉर्मूला, 112 को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखिए और एक घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करिए। अब तो इसका आंसर आ गया, और अगर हम इसको दशमलव में चेंज करेंगे डेसिमल में तो इसका उत्तर आएगा 31.12 मीटर प्रति सेकंड। अब बेटा डिफरेंट व्हीकल्स या डिफरेंट वस्तुओं की स्पीड भी अलग अलग हो सकती है। अगर आपको पता हो और आप न्यूज से अपडेटेड रहते हो तो जब पृथ्वी की कक्षा से जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं सैटेलाइट्स, वो जो रॉकेट्स होते हैं उनकी स्पीड आपको पता है कितनी होती है? उनकी स्पीड लगभग होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ क्या हुआ? एक सेकंड के अंदर वो रॉकेट 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। और इसी के विपरीत अगर आप देखें तो कछुए या टॉर्टोइस की स्पीड क्या होती है? 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो एक सेकंड में 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इसलिए तो टॉर्टोइस को स्लो एनिमल कहते हैं, क्योंकि वो इतना स्लो चलता है। और उसकी स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना? तो आप भी बच्चों अपने घरों में एक एक्टिविटी करके अपने आप किसी भी वस्तु की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपको स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस, तय की गई दूरी या वस्तु ने तय की है, और कितना समय लिया है उस वस्तु ने उस दूरी को कवर करने के लिए। अब देखो बेटा, ये इक्वेशन जो है इससे हम सिर्फ स्पीड का ही डिटरमिनेशन नहीं कर सकते, हम इससे डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें किसी वस्तु के द्वारा कितनी दूरी उसने तय की है वह निकालना है, और हमें चाल दी हुई है। मान लीजिए, अभी मैं फॉर्मूले में बताती हूँ फिर मैं न्यूमेरिकल्स फिट करती हूँ। तो अगर हमें स्पीड पता है उसकी तो हम क्या करेंगे? इनटू टाइम। मान लो आपको बताया हुआ है कि एक साइकिल सवार जो है वह 15 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है, ठीक है, और उसने आपको ये पता लगाना है कि उसने 60 सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय की। तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 15 × 60, स्पीड जो दी हुई है, इंटू टाइम। तो वो उसका आंसर क्या आया? 900 मीटर, है ना, आसान था। तो आप डिस्टेंस भी इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, और आप निकाल सकते हैं टाइम। टाइम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक चाहिए होता है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है, और उसकी स्पीड। यही फॉर्मूला रीअरेंज हो जाता है बच्चों इन तीनों कॉन्स्टेंट्स को निकालने के लिए। तो अब मान लीजिए वही साइकिल सवार का अगर मैं लेती हूँ, और हमें टाइम नहीं पता है, हमें यह पता है कि साइकिल सवार 900 मीटर की दूरी तय करता है जब वह 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। तो बताइए उसने 900 मीटर की दूरी कितने टाइम में कवर की? तो हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे और हमारे पास उत्तर आ जाएगा 60 सेकंड। मैंने सेकंड कैसे लगाया? क्योंकि यहां 900 मीटर था और स्पीड हमें मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है। आपको ध्यान रखना है बेटा इन न्यूमेरिकल्स में कि जो आप यूनिट यूज कर रहे हैं वे सभी यूनिट सेम हो, ऐसा नहीं कि यहां किलोमीटर हो और यहां आप सेकंड में आंसर निकाल दें। तो वो कन्वर्जन्स भी आपको अच्छी तरीके से करनी। आपने अपने बाइक या कार में दो टाइप के मीटर भी देखे होंगे जो कि आपको कुछ डिफ्लेक्शंस दिखाते हैं, जो नीडल्स होती हैं। वो एक्चुअली होता क्या है? एक होता है स्पीडोमीटर, जिसे हिंदी में कहते हैं चाल मापी,
और दूसरा होता है ओडोमीटर, जिसे हिंदी में कहते हैं पथमापी। दोनों का क्या फंक्शन होता है? चाल मापी स्पीड को कैलकुलेट करता है कि आपकी गाड़ी या आपकी बाइक कितनी स्पीड से चल रही है, और ज्यादातर ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही व्यक्त करते हैं। और पथ मापी या ओडोमीटर कितना डिस्टेंस उस गाड़ी ने अब तक कवर कर लिया है उसको दर्शाती है। आइए मैं आपको एक बार गाड़ी में लेके चलती हूँ और वहां स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दिखाती हूँ। बच्चों, मैंने आपको पहले भी गाड़ी में लगे हुए दो मीटर्स के बारे में बताया था। एक है स्पीडोमीटर, जिसके अंदर चाल बताता है, जिसे चाल मापी भी कहते हैं। यह नीडल जैसे जैसे इस गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, वैसे वैसे ही नीडल डिफ्लेक्ट करती है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दिखा रहा है। और दूसरा जो नंबर लिखा हुआ है उसके साथ में लिखा है किलोमीटर। यह एक ओडोमीटर है, जिसे पथ मापी कहते हैं, जो कि कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी इस गाड़ी ने कवर की है उसके बारे में बताता है। अब तक यह गाड़ी 42,727 किलोमीटर चल चुकी है। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।